और अरण्य, अरणी शब्द का अर्थ किया है शरण की प्राप्ति, जो सबके सत्तात्मक हैं उन श्री कृष्ण के लिए भी जो शरण्य है वो सत्तारणी है। और यदि कोई ये प्रश्न करे कि वृंदावन हम चल तो रहे हैं, आप हमको प्रेरणा दे रहे हैं, हम वृंदावन ही चले चलेंगे, पर हमारा तरण तारण हो जाएगा कि नहीं, तो उसका उपहास करते हुए कहते हैं अरे बावले, ये तो ऐसी कुछ बात होगी कि जैसे वो एक किसी गरीब घर की लड़की ब्याही हुई रईसों के यहां चली आई, और इस गरीब घर की लड़की जिसको पेट भर दो रोटी भी खाने को नहीं मिली जिंदगी में, भूखी सदा भूखी, जब किन्हीं अमीरों के घर वो विवाही हुई आई तो उसकी ननद, उसकी सास, उसके देवर, उसके जेठ जो कुछ भी थे, ससुराल परिवार के लोग कहते थे इसके लिए हम बनारस का शालू लावेंगे, किसी ने कहा हम लखनऊ का नौलख हार लावेंगे, तो सबकी बात सुन के कहती थी और रोटी, इन रोटी दोगे कि नहीं, क्योंकि उस समय तो कभी रोटी पेट भर खाई नहीं थी, वो क्या जाने गरीब नहीं कि नौलखा हार क्या होता है और बनारस के बढ़िया कशीदा किए हुए सुंदर शाल क्या होते हैं, है? विविध प्रकार के भूषणों की बात तो वे लोग जानते हैं। तो बोले संसार में ऐसे भी तो लोग होते हैं जिनके सामने एक ही प्रश्न है कि हमारा इस जन्म मरण से उद्धार कैसे होगा। इसलिए इस देश में उनका अधिकार इसलिए नहीं बनता है कि वो जो भिखारीपना है, यदि विचार करके देखें, महानुभावों के शब्दों पर हम गंभीरता से सोचे, एक जगह ध्रुवदास जी का एक नाम त्रैलोक हितारे है, जो न ले सो जन्म ही हारे, नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि जिसको स्वयं नामी भी नहीं कह सकता है, एक नाम से ही भाव संतरण हो जाता है। तब हम निरंतर नाम लेते हैं, इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है उनके चरणों में प्रीति की आकांक्षा, अथवा अपने जीवन के इस काल को भली प्रकार से, सुष्ठु प्रकार से व्यतीत करना। आखिर करें क्या? प्रियतम का नाम न लें, उनका कैंकर्य नहीं करें, उनका हम चिंतन नहीं करें, तो क्या पत्थर पानी पीते? अपने जीवन के काल को भली प्रकार से व्यतीत करने के लिए ये सब का सब है। वैसे यदि संसार से पार होने का प्रश्न है तो राम नाम कहिजे जमुआई, तिनई न पाप पुंज समुआई, एक नाम त्रैलोक कही तारे। और इस विषय में अजामिल का आख्यान पौराणिक प्रमाण है, और महानुभावों ने जो नाम की महिमा गान की है वहां देखना चाहिए। इस प्रकार यदि किसी के मन में संसार से संतरण का कंगलापन भरा हुआ है तो उसको भुला दे, इसलिए कहते सत्तारणी कृत स्वभाव। स्वभाव शब्द की व्याख्या करते हुए श्री हरिलाल जी ने कहा देवोभूत्वा देवम् यजेत, तुमको देवता की पूजा करना है तो तुम देवता बन जाओ, क्योंकि देवता बने बिना देवता की पूजा नहीं होती है। यदि आराध्य के समकक्षता को, उनकी सन्निकटता को प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको भी अपने आप में कुछ उत्तमता लाना होगा। देवता के प्राप्ति के लिए पहले जो प्रयास किए जाते हैं, देवता से तात्पर्य आराध्य है, ये यजन प्रथम केवल एक विधान होता है, किंतु ज्यो ज्यो देव के आराधन के समीप पहुंचता जाता है आराधक, त्यों त्यों उसके भीतर भाव आ जाता है, और जब भाव घनीभूत हो जाता है
तब वो सुष्ठ भाव बन जाता है, सुभाव बन जाता है। स्वभाव और सुभाव में भेद है। सु का अर्थ यहां उत्तम तरह का जो भाव है वो बन जाता है। इसका अर्थ हुआ ये भाव प्रीति आसक्ति का धर्म बन जाता है। इसका निर्णय किया उन्होंने। राधा सुधा निधि में एक श्लोक आया, न जानी ते लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वा न जानत्याह न सताम चापि चरितम रसम राधाया मा भजत किल भावम ब्रजमणौ रहस्यम तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। जहां जहां भाव शब्द आया है वो आसक्त प्रियतम के लिए आया है, और जहां रस शब्द आया है वो आसज्य यानी महबूब के लिए आया है, प्रेमास्पद के लिए आया है। यहां पर रसम राधायाम स्वामिनी आसज्य है, और भावम क्रमण ब्रजमणऊ ब्रजमणि का भाव है। वृंदावन के निवृत निकुंज देश में आसक्त जिसको आराधक भी कहा गया वो ब्रजमणि है। ये भाव की स्थिति में और रस की स्थिति में स्वामिनी है। रसम राधाया मा भजती किल भावम। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है, क्योंकि राधा सुधा निधि में तो दोनों तरह से आसज्य और आसक्त का वर्णन किया गया। स्वामिनी को कहीं कहीं आसक्त के रूप में भी वर्णन किया गया है। जैसे अंक स्थिति विदयते किम पिप्रलापम हा मोहनेति मधुरम बेहत्यकस्मात श्यामानुराग मद बेहवल मोहनांगी श्यामा मणिर जयत कापि निकुंज सीवनी। यहां स्वामिनी भाव रूपा है, क्योंकि वे प्रियतम की चिंतन में स्मरण में प्रेम में प्रेमी के रूप में है, और वैसे तो नित्य निरंतर लाडली के रूप में है, आसज्य के रूप में है। तब उनमें अपनी एक लड़कान है, अपना एक रूप का गौरव है। जैसे बल्लभवर सिंह जी ने कहा प्यारी के नैन को इतरायवी की बान परी, और बान परी प्यारे को बिकान की, एक पद आता है उनका। लाडली नवेली को इतराने की बान पड़ गई है, और प्रियतम को उनके प्रति बिकने की बान पड़ गई है। तो नित्य आसज्य भाव में स्थित हैं। राधा सुधा निधि के श्लोकों में अधिक अधिक स्वामिनी के प्रति आसज्य भाव का वर्णन मिलेगा। कभी कभी उन सब महानुभावों के लिए भी जो स्वामिनी को आराधिका के रूप में देखते हैं ऐसे वर्णन मिलते हैं। देखो श्रीजीव गोस्वामी पाद ने श्री गदाधर भट्ट के लिए जो पत्र लिखा था उसमें लिखा था अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम अनाश्रित वृंदाटवीम तत्पदांकम असंभास तद्भाव गंभीर चित्तान कुतस्याम सिंधुर सस्यावगा। इसमें असंभास तद्भाव गंभीर चित्तान, जो तद्भाव में गंभीर चित्त से आराधक बनकर के चिंतन करने वाले हैं, ऐसे रसिक जनों के भाव से जब तक तुम अपना भाव नहीं मिला लोगे तब तक कुतस्याम सिंधु रसस्यावगा, रस का अवगाहन कहां कर सकते हो। गौड़ीय संप्रदाय में विश्वानुनंदिनी को महाभाव रूपा माना गया है। इसी आधार पर एक बार श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने
राधा दास मपास्य प्रेतते गोविंद संगाशया का एक नवीन अर्थ दिया था। प्रसंग में बोले इसका क्या अर्थ करते हो, हमने कहा महाराज राधा दास्य मपास्य ऐसा अर्थ कर लेते हैं तो। बोले नहीं, राधा दास को संज्ञा बनाओ, राधिका जिस दास्य को करती है वो राधा दास्य, उसके बिना गोविंद की प्राप्ति सम्यक रूप से नहीं होती है। तो यहां पर आसक्त भाव माना गया। अंकस्थिति भी देते किमि प्रलाप, इसमें भी आसक्त भाव माना गया। तो आपने कहा कि सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम, सत्तारणी कृत स्वभाव मई भी है वो, और सुधारस की ओघ भी है। जहां सुधार सौघम कहा रसरूप अमृत की ओघ प्रवाह है, यहां पर रस का दान करने वाली आसंज भाव है, यानी प्रियतम ने जिनके प्रति अपना भाव समर्पित किया है। राधा दास्य मपास यह प्रेतते गोविंद संगाशया सोयम पूर्ण सुधार चे परिचयम राकम बिना कांक्षति किंच श्यामृत्य प्रवाह लहरी बीजम नयी ताम विदु ते प्राप्यापि महामृतम बुधि महो बिंदुम परम प्राप्नुयुः। इसमें बताया कि जो राधा दास्य का त्याग करके यानी राधा के प्रति आसज्ज भाव की भावना को छोड़कर केवल गोविंद की प्राप्ति विषयक आकांक्षा करते हैं, भी भाव तक ही सीमित रह जाते हैं, भी रस तक नहीं पहुंच पाते हैं। वे ऐसे ही हैं जैसे पूर्णिमा की तिथि को छोड़कर अन्य तिथियों में राका पूर्ण चंद्र को देखना चाहते हैं, किंतु भाव की पूर्णता रसौघ श्री राधा से ही होती है संपन्न, क्योंकि राधा भाव के प्रवेश करके पूर्णता को प्राप्त होने की स्थिति है। स्वयं पूर्ण सुधार चे परिचयम राकाम बिना कांक्षति, वे लोग ये नहीं जानते हैं उपासक भावुक लोग कि श्याम रत्न वाह लहरी बीजम का, श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रति प्रवाह लहरियों का जो बीज है, निदान है, गंतव्य है सीधे, अथवा जिसके आधार पर श्याम सुंदर के अंतर से रति प्रवाह की लहरियां उठती रहती है, क्योंकि भाव के लिए केंद्र चाहिए, भाव का केंद्र श्री राधा है। यह न जानने के कारण वे रस का सिंधु तो प्राप्त कर लेते हैं किंतु उसके बिंदु मात्र में ही रह जाते हैं। वे प्राप्यापि महामृतम बुधि महो, वे महानतम अमृत का समुद्र सम्मुख लहरा रहा है किंतु उसमें से केवल एक बिंदु का ही अधिकार उनको मानो मिल पाता है। तो स्वामिनी क्या है, सुधार सौघम रस अमृत है, और उसका वे दीर्घतम ओघ नाम प्रवाह है। रस की सृष्टि श्री राधा से होती है। वैसे भी श्रृंगार रस में नायिका के अभाव में रस की निष्पत्ति नहीं मानी गई। जितने भी बड़े बड़े विद्वान रसशास्त्र के चाहे प्रणेता हों और चाहे उसके उद्गाता हों, नायिका के प्राधान्य में ही उन्होंने रस माना है। नागीदास जी ने तो यहां तक लिखा, जल जातो रस और बिलाए जाते रसिक सब, जो श्री राधा रूप धरती ना। यदि राधा प्रकट नहीं होती तो न रस होता न रसिक होते।
इसलिए रस का ओघ रस का प्रवाह वृंदावनेश्वरी स्वामी श्री राधा है, भाव रूप श्री कृष्ण है। इस भाव के लिए गंतव्य है, प्राप्तव्य है, उन्हीं इस भाव की स्थिति है, उनका नाम है राधा। द्व्यर्थ द्व्यक्षरा परा विद्या, दिव्य निधान है। यहां पर अष्ट सिद्धि नवनिधि इत्यादि की तो चर्चा ही क्या है। महानुभाव ने कहा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती नहीं, जवाहर सोना चांदी दुनिया की चर्चा महती, भाव है ना दुनिया की बात में दिन भर की चर्चा महती है, लिल किशोरी पाल लगावे माया की स्थिरता महती। सामान्य अरे भगवान के चरणों की भक्ति की प्राप्ति में भी इन सिद्धियों को विक्षेप रूप ही माना है। भागवत की एकादश में भगवान ने उद्धव के प्रति कहा है, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसको ये सिद्धियां नहीं देता। वहां 18 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है और लोक के ऐश्वर्य की भी सिद्धि नहीं देता, और यदि कदाचित प्राप्त है तो उसको धीरे धीरे छीन लेता हूं। हृष्य तब धनम सनई, लोक के धन का भी हरण कर लेता हूं, उसको मैं सर्वथा अकिंचन बना करके जो परम धन देता हूं वो अलौकिक है, विलक्षण है। पर दुनियादार शायद इस बात को सुनकर घबरा जाएगा, पर ये दुनियादारों का देश नहीं। जो भक्ति के पथ में आ रहा हो, जो प्रेम रस की प्राप्ति के लिए वृंदावन की ओर अग्रसर हो, उसके सामने ये सब कुछ नहीं है। वो तो मस्तों की दुनिया ही दूसरी है। जंगल में रमते हैं दिल बस्ती से घबराता है, मानुष गंदन भाती है संग मरकट मोर सुहाता है, चाक गरीबा करके हरदम आहे भरना आता है, ललित किशोरी इश्क रेंदन ये सब खेल खिलाता है। अब तकरार करो मत यारो लगी लगन चित चंगी, जीवन प्राण जुगल जोरी के जगत जाहरा अंगी, मतलब नहीं फरिश्तों से हम इश्क दिला दे संगी, सहचरी शरण रसिक आशिक वर मेहरबान दिल रंगी, कैसा मस्त पिलाया प्याला मैं प्यारा मुर्शिद मेरा, रसिक राजदा मैं गुलाम जो कामी कामनी चेरा। तो ये केवल प्रेम का देश है, ये रस का देश है। यहां सबका परित्याग करके आओ। अद्वैत मूर्ख सर्वमिदं विहाय, श्रीमद प्रबोधानंद ने कहा अरे हाथ में तेरे यज्ञ का सिलवा है तो तू यज्ञ की समाप्ति अंतिम आहुति देने की अपेक्षा मत कर, वो सुरुआ को भी फेंक दे उसी यज्ञ के कुंड में। तेरे मन में यदि कदाचित वृंदावन की प्राप्ति विषयक लालसा हुई है, ये तो बड़े भाग्य की बात है, बड़ी कृपा की बात है, जो तू श्री वृंदावन की ओर प्रणय भाव से प्रेरित होकर के चलने को उद्यत हुआ है। और एक जगह तो और विलक्षण बात कह डाली है, कुर सकल धर्मम मुंच सर्वम च धर्मम, गुरुम तेज वृंदारण्य वासानुरोधा, सतो परम धर्म साच भक्तिर गुरु नाम, सकल कलुष राश्रिय दिवासांतर आया। सारे अधर्मों का आचरण करके भी तुझे वृंदावन मिलता है तो उन अधर्मों को कर डाल, और सारे धर्मों का परित्याग करके तुझे श्री वृंदावन प्राप्त होता है उन धर्मों में भी माचिस लगा दे। और गुरुदेव बड़ी कठिन बात आई, गुरु गोविंद वृंदारण्य वासानुरोधात, वृंदावन की वास की प्राप्ति में यदि कोई गुरु बाधक हो रहे हैं तो उनका भी त्याग कर दे। तत्काल धैर्य दिया, घबराओ नहीं, करना सताओ परम धर्म साच भक्ति गुरु ना,
ये वृंदावन का प्राप्त होना ही तेरी सबसे बड़ी भक्ति है, यही तेरा सबसे बड़ा धर्म है, यही श्री गुरुदेव के चरणों की भक्ति का तात्पर्य है। सकल कलुषरा से दिवासांतर आया, सारे पापों का मूल, सारे पापों का भंडार तो वहां है जहां तू वृंदावन से पृथक है, क्योंकि रसिंदी यही है। राधा विधान मिहि दिव्य निधान मस्ती, ये कृपा पूर्वक राधा नाम का उच्चारण इस श्लोक में प्रथम बार आया, कहीं वृषभानुनंद ने कहीं कुछ, कहीं कुछ इस तरह से वर्णन किया। राधा अभिधानम, राधा नाम से जिसको जाना जाता है वो दिव्य निधि, ये वृंदावन की निधि है, और इस वृंदावन के लिए प्रीतिपूर्वक चलने का प्रयास कर, पर आंख मूंद करके चल, कुछ और मत देख। इसमें तन गलता है तो तन गला दे, मन गलता है मन गला दे, धन गलता है धन को गला दे, न माता है न पिता है न बंधु है न बांधव है, सब कुछ छोड़ दो। इनमें जो अंतर करे बसत वृंदावन माए, पर ये उपासकों के लिए है, पुण्यार्थियों के लिए बात नहीं है, और पुण्यार्थी इसको समझ भी नहीं पाता है। जिनके हृदय उस परम निधि के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसे पाकर के निहाल हो जाता है, जिसे पा लेने के पश्चात न किंचित वांछित न सोचत न रमते नोत्साही भवती, यदि वो स्थिति की अभिलाषा बोले ये कृपा से होती है। महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पद स्प्रहा, जब महाभाग्य का परिपाक होता है तब श्री राधा चरणारविंद की प्राप्ति विषयक लालसा स्प्रहा वांछा उदित होती है। वृंदावनेश्वरी स्वामिनी कृपा करें अस्मा आदि अनुमादम जीवों के हृदय में भी ये तद विषयक इच्छा लालसा वासना जागृत हो। और इसके साथ ही आज की वार्ता यहीं विश्राम करें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, राधे जय राधे राधे जय, राधे जय श्री राधे जय, श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय, राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी, जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय, जय जय श्री वृंदावन धाम लाल की, ललित लाल लीलाल की, श्री वेंकटेश लाल की जय जय श्री।